नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिशन आईएएस का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज पढ़ेंगे आप आर्ट एंड कल्चर के वो टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। जो भी टॉपिक हमारे न्यूज़ में होंगे आर्ट एंड कल्चर के, सब डिस्कस करेंगे हम अपने लेक्चर में। जो मेरे बारे में बातें हैं वो यहाँ लिखी गई हैं। आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, फेसबुक पेज पर और ईमेल आईडी के जरिए। एड सुमंत आपका टेलीग्राम चैनल है, यही मेरा फेसबुक पेज भी है। addsumanth@gmail.com ये मेरी ईमेल आईडी है, जहाँ पर आप मुझे मेल भेज सकते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है हमारे 5 आइकॉनिक साइट्स, 5 हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट जिनका जिक्र किया गया था इस साल के बजट में। सरकार ने ये कहा है कि हम जो एंशियंट जो हमारे साइट हैं उनके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन IIHC इसका हम करेंगे गठन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत, और जो हमारे 5 आर्कियोलॉजिकल साइट हैं उनको हम आइकॉनिक साइट के रूप में डेवलप करेंगे। पहला साइट होगा राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है, जो हिसार ज़िला है ना हरियाणा का, वहाँ पर है। हस्तिनापुर यूपी में, शिवसागर आसाम में, धोलावीरा गुजरात में, आदिचुल्लूर तमिलनाडु में। गुजरात एक और है जिसका नाम है लोथल। लोथल हमारा पोर्ट शहर है, वहाँ पर पोर्ट मिला करता था, जैसे कि वो पोर्ट काम करता था सिंधु सभ्यता में। हम पहले कवर क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे जो राखीगढ़ी है उनके बारे में। जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता फला फूला था, डेवलप हुआ था, जो साउथ एशिया है इसका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, मतलब कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, पाकिस्तान का इलाका, जो राजस्थान है हमारा, हरियाणा है हमारा, गुजरात है हमारा, इन सब इलाकों में ये सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। दुनिया के 4 बड़े सभ्यताएं हैं, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सिंधु और चीन। ये सारे आपके अर्बन सभ्यता थे और इन सभी अर्बन में से सबसे बड़ा, सबसे डेवलप्ड है जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग यहाँ पर ढके हुए नाले इस्तेमाल कर रहे थे, हम लोग यहाँ पर ग्रिड में हम लोग गलियाँ बना रहे थे, तो ये सबसे डेवलप्ड था, मतलब सभ्यता इन चारों में से, चीन, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और सिंधु, 4 में से हमारा सिंधु सबसे डेवलप्ड था। इसका खुदाई शुरू हुआ 1920 का जो दशक है उसमें, जहाँ पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले मोहनजोदाड़ो जो हड़प्पा है इसको उन्होंने खोद करके निकाला। कहाँ पर राखीगढ़ी, राखीगढ़ी है हरियाणा का जो हिसार ज़िला है वहाँ पर। भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी हड़प्पन साइट हैं उनमें ये सबसे बड़ा है। राखीगढ़ी फर्स्ट में है, सबसे बड़ा, और 5वें नंबर पर आपका आता है स्थान धौलावीरा का। किसका आता है स्थान, धौलावीरा का आता है। क्लियर है, मेनली हमारे पास 5 से 8 साइट हैं, जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, गुनरवाला हो गया, धौलावीरा हो गया। क्लियर है ना, ये जो एक्सकवेशन है वो किया जा रहा है राखीगढ़ी में अभी हाल के दिनों में। क्यों, ताकि जो इवोल्यूशन है इसका कैसे हुआ, इसका जो इवोल्यूशन विकास कैसे हुआ 6000 BC से 2500 BC तक, कैसे ये एक मेच्योर हड़प्पन सभ्यता का जो साइट उसमें डेवलप हुआ, सब आते हैं यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये जो साइट है इसको एक्सकवेट किया गया था अमेंद्रनाथ के द्वारा, जो कि ASI में काम किया करते थे। अभी जो खुदाई हुई है वहाँ पर एक जो कपल हैं, जोड़ी हैं, इनका जो इनके जो रिमेन्स हैं, हड्डियाँ हैं, बरामद हुई हैं। ये एक ऐसा आपका जैसे कि निकला हुआ ताबूत, जहाँ पर अलग अलग अपोजिट जेंडर के, एक है मेल एक है फीमेल, इनका यहाँ पर जो हड्डियाँ हैं वो हमें मिली हैं। क्लियर है, यहाँ पर जो साइट है आपका राखीगढ़ी का, ये आता है मेच्योर हड़प्पा पीरियड में। 3 फेज में बांटा गया है इसको, एक आपका है अर्ली हड़प्पा, दूसरा है मेच्योर हड़प्पा, तीसरा है लेटर हड़प्पा। जब हड़प्पा सभ्यता के सभी गुण नहीं मिलते उसको बोलते हैं अर्ली हड़प्पा, जब सभी गुण मिलने जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मेच्योर हड़प्पा, जब ट्रांजिशन होता है हड़प्पा से दूसरी सभ्यताओं में उसको हम कहते हैं लेटर हड़प्पा। इसको हम क्यों कहते हैं मेच्योर हड़प्पा, राखीगढ़ी को आखिर हम मेच्योर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी गुण हैं, प्लांट टाउनशिप, मड ब्रिक, जो ईंटें थी ना वो पकाई हुई थी, जो ड्रेनेज सिस्टम है काफ़ी डेवलप्ड था, सभी गुण मिलते हैं हमको यहाँ पर। यहाँ पर आपको जो सिलेंड्रिकल सील है वो मिलता है, 5 हड़प्पन कैरेक्टर मिलते हैं, और एक जो एलिगेटर है, मगरमच्छ है, वो भी यहाँ पर सील पर दिखाई पड़ता है।
राखीगढ़ी का जो सेरामिक इंडस्ट्री था ना, काफ़ी डेवलप्ड था। यहाँ पर हमको जो लाल बर्तन है वो मिलते हैं, डिश ऑन द स्टैंड, एक परफोरेटेड जार होता है जिसका इस्तेमाल शायद होता था शराब वगैरह बनाने में। बर्तन होता है, उसमें छेद होते हैं काफ़ी सारे, इसको बोलते हैं परफोरेटेड जार। इसके अलावा जो आपके तांबे की चीज़ें वो मिलती हैं, जो बहुमूल्य पत्थर वो मिलते हैं, जो खिलौना का जो काट होता है वो मिलता है, स्टियाटाइट के सील्स और सीलिंग हमको वहाँ पर दिखाई देते हैं। व्हील्स का भी हमको वहाँ पर मिलता है, जो कि टेराकोटा का बना हुआ होता है। टेराकोटा का मटेरियल है जो नदी का जो होता है ना पानी, मतलब कि जो जो मिट्टी होती है उनसे बना होता है वो। क्लियर है? जो एनिमल सेक्रीफिशियल पिट, मतलब कि बलि प्रथा हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जो ट्रायंगुलर और सर्कुलर फायर अल्टार होता है, हवन का जो होता है ना वो जगह फायर अल्टार, एक होता है आपका तिकोना, एक होता है आपका सर्कुलर वृत्ताकार, दोनों हमको देखने को मिलता है। इससे दिखता है कि हाँ वहाँ पर कुछ रिचुअल्स हुआ करता था। मगर ध्यान देना, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें अभी तक कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट नहीं मिला है जो बताए कि यहाँ पर एक केंद्रीय सत्ता थी, यहाँ पर धर्म के लिए कुछ मंदिर वगैरह हमको अभी तक नहीं मिला है। क्लियर है? एक बात और, हम लोगों की यहाँ थ्योरी ये यह है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अपने एंशियंट इंडिया में, कि जो ईरानियन फार्मर जो हैं वो वहाँ से आए थे और यहाँ पर बसाए थे सिंधु सभ्यता। मगर ये देखा गया है डीएनए से कि जो हड़प्पा के लोग हैं इनका डीएनए काफ़ी अलग है ईरान वालों से, इनका एक इंडिपेंडेंट ओरिजिन है। तो हमारा जो पुराना वाला थ्योरी था कि ईरान से लोग आए थे, वो हमारा सही नहीं है। ठीक है? हम लोग यहाँ के मूल थे और ये हमारे जो आज की गवर्नमेंट है ना उनकी भी आइडियोलॉजी से मैच करता है। क्लियर है? ये जो देख रहे हैं ये सारे साइट हैं। यहाँ पर एक बात आपको यहाँ पर खास ध्यान देनी है हमारे इन सब आप साइट के बारे में। अगला हमारा पड़ता है धोलावीरा। न्यूज़ क्या है? पहला तो ये है कि ये आपका एक आइकॉनिक साइट बनने जा रहा है, इसका मेंशन है बजट में। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट ने इसको नॉमिनेट किया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए। अगर इनको एक्सेप्ट किया जाता है तो हमारे लिस्ट में ये डल जाएगा। कहाँ पर है? गुजरात में है। इसका जो खादीर बेट आइलैंड है वहाँ पर कच्छ जिले में, वहाँ पर यह फैला हुआ है। ये पार्ट है ग्रेट रन ऑफ कक्ष का। यह पांचवा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है राखीगढ़ी। धोलावीरा का नंबर आता है पांचवें स्थान पर। कौन कौन से हैं? हमने बताया था आपको जो लोथल वगैरह सब गुजरात में ही है। एक बात ध्यान सुनना, जो बाकी हड़प्पा सभ्यता के इलाके हैं उसमें दो पार्ट हैं। क्या क्या है? एक तो है आपका अपर शहर, दूसरा आपको नीचे आता है लोअर टाउन। इसमें तीन पार्ट हैं। सीटाडेल हुआ करता था और लोअर टाउन हुआ करता था। इसमें तीन पार्ट हैं, दो पार्ट नहीं है, तीन पार्ट हैं इसमें। यहाँ पर आपको जो पेंटेड पॉटरी मिलती है, सील्स मिलते हैं, जो वजन करने के नापने की चीज़ें हैं ना वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एक बात और, जिस तरह से मोहनजोदड़ो में एक ग्रेट बाथ है नहाने का जो बना हुआ था ना वो वाटरप्रूफ वो है, वैसा ही यहाँ पर एक स्टेप वेल है। मतलब कि यहाँ पर भी सीढ़ी नहीं उतरेंगे, सीढ़ी है, फिर आपको यहाँ पर जो कुआं है ना वो बना हुआ, यहाँ पर आप पानी इकट्ठा कर सकते थे। ध्यान सुनना, रोमन एम्पायर में 70 AD में वहाँ पर देखने को मिलता है ये सब बाथ वगैरह। 70 AD में, ईसा के जन्म के 70 साल के बाद। हमारे यहाँ ईसा के जन्म के 2500 2500 साल पहले ही हमको ऐसे बाथ देखने को मिलते हैं। क्लियर है? मेजर साइट कौन से हैं? मेजर हमारे हैं आठ हड़प्पन साइट, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा, रूपनगर, गिरने वाला, धोलावीरा। धोलावीरा पांचवा, राखीगढ़ी लार्जेस्ट है। क्लियर है? इसमें से हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और जो गनेरी वाला है ये पाकिस्तान में है, बाकी जो लोथल है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी है, रूपनगर है, सब हमारे भारत में है। चलिए, अगला हमारा टॉपिक क्या था? अगला हमारा टॉपिक था आदिचुनलूर। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तमिलनाडु में। यहाँ पर जो आयरन एज के ब्यूरियल साइट हैं वो यहाँ पर खोदे गए हैं ASI के द्वारा। हुआ क्या था कि तमिलनाडु ने रिक्वेस्ट किया था ASI से कि हमारा यहाँ जो एक्सकवेशन है, खुदाई है, वो कीजिए। उन्होंने कहा था कि जो संगम एज है और जो सिंधु सभ्यता है इसके बीच में हो सकता है कि कोई लिंक हो, इसी लिंक को पता करने के लिए जो खुदाई है वो वहाँ पर कराई जा रही है। खुदाई होगी चार जगह पे। पहला है कैलेंदी, दूसरा है कोदुमनल, तीसरा है शिवगलय। जो कैलेंदी है वो एक अर्बन जगह है संगमेज का,
क्लियर है। जो कोदुमलई है तमिलनाडु में है, जिनका दूसरा नाम है कोदुमनम। आगे हम डिस्कस करेंगे जो आपका ममल्लपुरम है, जिसको हम जिसका नया नाम है महाबलीपुरम वगैरह, सब डिस्कस करेंगे उसको हम अभी। क्लियर है ना। ये बसा हुआ है नोयाल नदी तट पर। नोयाल एक ट्रिब्यूटरी है कावेरी का। सिंपल सा सवाल है, ट्रिब्यूटरी पूछेगा आपको कि कावेरी के कौन से ट्रिब्यूटरी हैं। नोयाल उसमें से एक ट्रिब्यूटरी है। सिवगलई, इसको हम कहते हैं छोटा श्रीलंका भी। इसका नाम रखा था ब्रिटिश लोगों ने। यहाँ पर जो मेगालिथ हैं इनके रिमेन्स पाए गए हैं। क्लियर है। तो ये आपके चार साइट हैं जिनकी खुदाई वहां पर होगी। टॉपिक हमारा आता है यहां पर से एएसआई, और टॉपिक हमारा आता है संगम एज। जो एएसआई है इसकी स्थापना की गई थी 1861 में। इसको फाउंड किया गया था 1861 में बाय द अलेक्जेंडर कनिंघम, जो इसके पहले डायरेक्टर जनरल भी थे। करता क्या है, ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत, और ये आर्कियोलॉजिकल साइट का जो खुदाई है वो करता है, उनको बचाता है, उनको वो प्रिजर्व करता है। संगम एज में जो संगम शब्द है, संगम का मतलब ये नहीं है कि वहां पर कुछ चीजें मिल रही हैं। संगम का मतलब होता है संघ। यहाँ पे इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अ एसोसिएशन, जहां पर जो पोएट्स होते हैं आते हैं वहां पर रचनाएं करते थे। जो पहला दूसरा संगम है इसके जो रचनाएं हैं हम काफी कुछ खो चुके हैं। जो थर्ड संगम है, जो तीसरा यहाँ पर मीटिंग हुआ था, इसकी जो रचनाएं हैं यही बनती हैं संगम एज लिटरेचर। क्लियर है। यहाँ पर जो क्रिश्चियन एरा शुरू हुआ था उस समय का जो समाज है, उस समय का जो वीरता है, प्रेम है, उसके बारे में इन सब में मेंशन किया जाता है। इस लिटरेचर में उनके बारे में लिखा जाता है। एक न्यूज़ आई थी कि जो तुलु भाषा है, तुलु भाषा को 8वें शेड्यूल में शामिल किया जाए। अभी कितनी भाषाएं हैं बताइए मुझे, 8 शेड्यूल में कितनी भाषाएं हैं, उसमें शामिल करने के लिए कहा जा रहा है तुलु भाषा को। क्यों सर, कई सारे फायदे हैं इसके। जो आपके 22 भाषाएं शामिल हैं 8वें शेड्यूल में, कई सारे फायदा है उनको। कहा जा रहा है कि ये जो तुलु भाषा है ये द्रविडियन लैंग्वेज है। क्या है, द्रविडियन लैंग्वेज है। तुलु के अलावा जो आपका मलयालम है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, सारा आपका द्रविड़ ओरिजिन का ही है। कहाँ बोला जाता है, जो तुलुनाडु है यहाँ पर बोला जाता है। जो दक्षिण कन्नड़ जिला है, उडुपी जिला है, ये कर्नाटका का है। केरला का जो नासरगोड जिला है, अभी न्यूज में था ये कोरोना वायरस के लिए, तो ध्यान देना जो तुलु है ना इसलिए भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि तुलु भाषा है यहाँ पर बोली जाती है। जो जिला है कासरगोड का, इसे कहते हैं सप्त भाषा समागम भूमि। मतलब कि सप्त भाषा, सात भाषाओं का समागम भूमि, ये कंटेन करता है सात भाषा। यहाँ पर सात भाषाएं बोली जाती हैं, सात में से एक भाषा आपका है तुलु। क्लियर है। तुलु का जो सबसे पुराना लिखित प्रूफ है वो आपका आता है 14th से 10th सेंचुरी। हिंदी कब आता है सर, हिंदी का आपका आता है 9th से 10th सेंचुरी के बीच में। इसके जो शुरुआत हो ना वो शुरू हो गई थी, पुराने हिंदी फिर नई हिंदी बनी। उसके पहले आपका अपहट, अपभ्रंश, पाली प्राकृत उसके पहले चला करता था। क्लियर है। क्या फायदा होता है, अगर किसी भाषा को 8th शेड्यूल में डाल दिया तो उसको मान्यता मिलता है साहित्य अकेडमी के द्वारा। आप यूपीएससी का एग्जाम लिख सकते हैं उस भाषा में, ठीक है ना। तो आपके जो एमपी हैं, एमएलए हैं, पार्लियामेंट में या फिर विधानसभाओं में तुलु भाषा में बोल पाएंगे। जो दूसरी भाषा के काम हैं, वर्क हैं, उनको ट्रांसलेट कर पाएंगे हम तुलु भाषा में, तुलु भाषा कर पाएंगे हम दूसरी भाषाओं में। जो कंपटीटिव एग्जाम है, ऑल इंडिया एग्जाम, स्टेट के एग्जाम, सबको आप लिख पाएंगे तुलु भाषा में, अगर इसको मान्यता दे दी गई तो। जो केंद्र गवर्नमेंट है इससे इसको पैसा मिलेगा, और प्राइमरी स्कूल में, हाई स्कूल में तुलु भाषा पढ़ाई जाएगी। क्लियर है। मगर बात यह है, क्या देना चाहिए, काफ़ी सारे मुद्दे हैं। पहले देखो कि ये जो भाषा है कितना डेवलप्ड है। ये भाषा है कि बोली है, दोनों अंतर होता है। ये भाषा है या बोली है, समझ बात। जैसे कि मागधी, मागधी एक बोली है हमारे यहाँ, अभी डेवलप नहीं हुआ है पूरा। मागधी का जो ग्रामर है ये पूरा डेवलप होना अभी बाकी है। जब डेवलप हो जाएगा तो इसको हम भाषा मान सकते हैं। क्लियर है। उप भाषा कह सकते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा। अगला हमारा टॉपिक है कुंभाभिषेकम। क्या है, कुंभ, कुंभ, कुंभ का जो अभिषेक है,
ये कुंभाभिषेकम जो है ना टर्म, ये कहाँ पर हुआ था? जो बृहदेश्वर मंदिर है वहां पर ये वाला हुआ था। हाउ द ओल्ड आर्यन द्रविडियन टसल प्लेड आउट इन आइकॉनिक तमिलनाडु टेम्पल। यहाँ पर एक्चुअली साउथ में एक कन्फ्लिक्ट चलता है, एक संघर्ष चलता है, जो आपका तमिल कल्चर है और संस्कृत कल्चर है उसमें। एक्चुअली तमिल कल्चर में संस्कृत बहुत सारी बातें हैं, तमिल में संस्कृत के बहुत सारे बातें हैं, मगर फिर भी एक टसल चलता है कि हम हमारा अपना एक इंडिपेंडेंट जो आइडेंटिटी है वो बना के चलेंगे। क्लियर है? तो ये जो कुंभाभिषेकम है कहाँ पर हुआ था? जो बृहदेश्वर मंदिर है वहाँ पर हुआ था, और ये 23 साल के बाद हुआ था, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका जो मंदिर बृहदेश्वर का कहाँ पर है? ये दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। कब बनाया गया था? 1003 से 1010 AD के बीच में बनाया गया था, राजा राज प्रथम के द्वारा। जो राजा राजवन क्या है, ये चोल वंश के एक राजा है, महान राजा है। यहाँ पर जो यागा सलाई है उनका जो पानी हिलाया जाता है, इनको यहाँ पर प्यूरिफाई किया जाता है। कुंभ से मतलब यही होता है कि जो वहाँ पर मूर्तियाँ हैं, जो कलश है ना, उसको हम प्यूरिफाई करते हैं एक समय के बाद। इट इज़ अ प्यूरिफिकेशन सेरेमनी टू सेंक्टिफाई द टेम्पल स्ट्रक्चर एंड द डेटीज। मंदिर को प्यूरिफाई करने का, जो देवी हैं देवता हैं इनको प्यूरिफाई करने का ये एक तरीका है। क्लियर है? ये जो मंदिर है कहाँ पर है? तमिलनाडु का जो तंजमवार है वहाँ पर ये वाला मंदिर है। एक बार ध्यान सुनना, तंजमवार का जो वीणा है, वीणा वहाँ की जो वीणा है, वीणा को GI टैग मिला हुआ है वहाँ के, ध्यान रखना, तमिलनाडु का है तंजमवार। अगला टॉपिक हमारा है बीबी का मकबरा। क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि बीबी का मकबरा जो है ना, इसको रिनोवेट किया जाएगा, इसको थोड़ा सा और चमकाया जाएगा। बीबी का मकबरा को हम कहते हैं दूसरा ताजमहल। क्या कहते हैं? दूसरा ताजमहल। क्यों कहते हैं अभी हम बताएंगे आपको, बस आप लेक्चर के अंत तक बने रहिए, आप काफ़ी कुछ बातें सीख करके जाएंगे। यहाँ पर जो मकबरा है उसको बनाया गया था 7th सेंचुरी में। कब बनाया गया था? इसे बनाया गया था 7th सेंचुरी में, जो आपका औरंगजेब है उसका जो बेटा था आजम शाह, उनके द्वारा 1668 मतलब कि 17th सेंचुरी इस साल बनाया गया था। उनकी जो माता है दिलरस बेगम, इनका यहाँ पर जो कब्र है ना, वो यहाँ पर बनाया गया है। ये आपका साउथ इंडिया में है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग ताज ऑफ द दक्कन। दक्कन का ताज कहते हैं इसको, क्योंकि जो ताज है वो तो आगरे में है। जो ताजमहल है उसको डिज़ाइन किया गया था अहमद लाहौरी के द्वारा। ताजमहल को डिज़ाइन किया अहमद लाहौरी ने। इसका जो बेटा है अताउल्लाह, इन्होंने ही बीबी का मकबरा मतलब कि जो दूसरा ताजमहल है इसको उन्होंने डिज़ाइन किया है। चूँकि बेटे का, जिसके जो पिता है ताजमहल, उसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इसीलिए इस दक्कन के जो बीबी का मकबरा है ना उस पर, इसको हम कहते हैं टॉम्ब ऑफ द लेडी। यहाँ पे जो तारीख नामा है गुलाम मुस्तफ़ा का, जो गुलाम मुस्तफ़ा है ना, इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है तारीख नामा। इस किताब के अनुसार जो खर्चा पड़ा था वो पड़ा था 6 लाख से 7 लाख के करीब उस समय में। क्लियर है? ये क्यों है दक्कन में? दक्कन में इसलिए है क्योंकि औरंगजेब काफ़ी समय तक औरंगाबाद का गवर्नर रहे थे, इसी कारण से वहाँ पर इसका जो मकबरा है ना वो बनाया गया है। अब बात आती है दिलरस बानो की। ये औरंगजेब की वाइफ थी, जो यहाँ पर आजम खान आजम शाह है उनका, उनकी माँ थी। हुआ क्या, औरंगजेब की शादी हुई 1637 में, बेटा हुआ, जो दिलरस बानो उनका देहांत हो गया। देहांत के बाद दोनों बाप बेटे सह नहीं पाए, और बेटे ने 1668 में इनका जो मकबरा है वो बनाया अपनी माँ के लिए। कहाँ पर? जो दक्कन है वहाँ पर। क्लियर है? जो आपका दिलरस बानो थी वो सफाविद रॉयल फैमिली जो ईरान का है वहाँ की थी, जो शाहनवाज खान था उसकी वो बेटी थी। ये दिख रहे हैं आप बीबे का मकबरा, ये फोटो लिया गया था 1860 ईस्वी में। क्लियर है? चलिए अगला हमारा टॉपिक है ननकाना साहब के बारे में। इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इस पर एक आयत आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में, इसलिए हम इसको कवर कर दे रहे हैं। अभी ननकाना साहब में अटैक हो गया है, जो करतारपुर साहब है न्यूज़ में था। क्लियर है ना? देखो ध्यान से, सबसे पहली बात, ननकाना साहब एक शहर है, पंजाब प्रोविंस है ना पाकिस्तान का, वहाँ जहाँ पर गुरुद्वारा जन्म स्थान बसा हुआ है। ननकाना साहब शहर है, ननकाना साहब में गुरुद्वारा जन्म स्थान ये वहाँ पर बनाया गया है।
गुरुद्वारा जन्म स्थान का दूसरा नाम है ननकाना साहब गुरुद्वारा, क्योंकि वो ननकाना साहब शहर में है, ठीक है ना। इसको बनाया गया था 1469 में, जहां पर गुरु नानक का जन्म हुआ था। 1469 में गुरु नानक का जन्म यहीं पर हुआ था। पहले इसका नाम था तलवंडी, बाद में इसका नाम बदल करके ननकाना साहब कर दिया गया था। हुआ क्या, जो राय भोई हैं, इन्होंने इस शहर को बसाया था। उनका जो पोता है राय बुलार भट्टी, इन्होंने गुरु नानक के सम्मान में इसका नाम रख दिया ननकाना साहब, ठीक है। यहाँ पर कुछ और गुरुद्वारे हैं। एक गुरुद्वारा है गुरु अर्जन देव जी का, जो कि पांचवें गुरु थे। दूसरा गुरुद्वारा है हरगोविंद सिंह का, जो कि छठे गुरु थे। हरगोविंद सिंह यहाँ पर होमेज, मतलब कि जो प्रार्थना है, वो करने आए थे 1621 1622 में, क्लियर है। ये जो जन्म स्थान है गुरुद्वारा, इसको बनाया था महाराजा रणजीत सिंह ने। आप जो पढ़ते हैं कोहिनूर हीरे के बारे में, वो भी संबंधित है महाराजा रणजीत सिंह जी से ही। रणजीत सिंह ने बनाया था इस गुरुद्वारा जन्म स्थान को, जब वो लौट रहे थे बैटल ऑफ मुल्तान लड़ करके। 1819 में इसको बनाया गया था, मतलब कि जो जन्म हुआ था 1469 में, उसके करीब 400 साल के बाद, मतलब 350 साल के बाद वहाँ पर ये बनाया गया था ननकाना साहब में। अगला टॉपिक हमारा है ममल्लपुरम। ये जो ममल्लपुरम है, महाबलीपुरम है, यहाँ पर चाइना और इंडिया के बीच में जो सेकेंड इनफॉर्मल समिट है वो हुआ। यहाँ पर दो बातें आती हैं। पहला, पहला समिट कब हुआ? पहला समिट हुआ था वुहान में, वुहान जहाँ पर कोरोना वायरस शुरू हुआ। दूसरा टॉपिक ये आता है कि इनफॉर्मल मीट क्या होता है। इनफॉर्मल समिट का मतलब ये होता है कि मीटिंग का कोई एजेंडा तय नहीं है, उस मीटिंग में क्या बातें होंगी ये तय नहीं है, उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल मीट। इस साल जो मीट है वो हुआ है साउथ इंडिया में, जो महाबलीपुरम है वहाँ पर। मोदी जी और जो 11th जिनपिंग है, जी जिनपिंग है, वो वहाँ पर मिले थे 11 अक्टूबर को, क्लियर बात है। अब देखो, ममल्लपुरम को हम जानते हैं नया नाम से, जिसका नाम है महाबलीपुरम। ये जो शहर है ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मेंशनड है, और इनका जिक्र आता है हमारे जो पुराने लिटरेचर हैं वहाँ पर भी। ममल्लपुरम जो था वो पल्लव की दूसरी राजधानी हुआ करती थी, जो कांचीपुरम से रूल किया करते थे। इनका नाम क्यों पड़ा ममल्लपुरम? ममल्लपुरम नाम यूँ पड़ा क्योंकि जो किंग नरसिंह वर्मन प्रथम थे, उनके समय में इनका नाम बदला, क्योंकि ये काफ़ी बलशाली थे, काफ़ी ये वीर थे। ममल्ल का मतलब होता है द ग्रेट रेसलर, जो कुश्ती करते हैं ना, वो ये थे शक्तिशाली। इसीलिए इनके नाम पर इन जो शहर है इसका नाम बदल दिया गया, फ्रॉम महाबलीपुरम टू ममल्लपुरम, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया ममल्लपुरम। ये एक सी पोर्ट था बे ऑफ बंगाल की तरफ। देखो यहाँ पे दिख रहा है वाला, ये है महाबलीपुरम, यहाँ है वेल्लोर, यहाँ पर है चेन्नई। ये पूरा एरिया है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर आपको बंगाली खाड़ी देखने को मिलती है। जब आपका ट्रेड शुरू हुआ था रोमन के साथ, बाद में उससे काफ़ी पहले ही हमें यहाँ पर खुदाई में जो सिक्के मिले हैं, जो सामान मिला है, उसे पता चलता है कि इसका एक ट्रेड संबंध था जो रोमन हैं उनके साथ। पल्लव के समय में शुरू हुआ था, पल्लव से काफ़ी पहले ही यहाँ पर रोमन के साथ ट्रेड किया जाता था। अब ध्यान सुनना, ममल्लपुरम में तीन चार चीज़ें काफ़ी फेमस हैं। पहला आपका है सोर टेम्पल, जो तीन चार चीज़ फेमस है ना उसको पढ़ेंगे हम लोग। पहला आपका है सोर टेम्पल, इसको बनाया गया था 700 से 728 AD में, और यहाँ पर जो ग्रेनाइट है उसका इस्तेमाल किया गया था। इसका नाम सोर टेम्पल क्यों है? क्योंकि बंगाल का जो शोर है, जो किनारा है, वहां पर बसा हुआ है ये। कब बनाया गया था इसको? जो 8th सेंचुरी है उस दौरान इसको बनाया गया था। उस समय शासन था नरसिंह वर्मन द्वितीय का। किनका काल था? नरसिंह वर्मन द्वितीय का काल था। और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है पूरा टेम्पल का, उसका बस अवशेष ही बचा हुआ है, काफी कुछ यहाँ पर नष्ट हो गया है, क्लियर है। पहला तो आपका है स्वर टेम्पल, दूसरा है डिसेंट ऑफ द गंगा, जिसको हम लोग अर्जुन पेनेंस के नाम से भी जानते हैं। जब मैंने कहा था आपसे कि आप क्लास 11th का फाइन आर्ट्स पढ़ लीजिएगा, वहां पर आपने ये फोटो देखी होगी। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बना हुआ है पिंक ग्रेनाइट पर, गुलाबी ग्रेनाइट है ना, वहां पर ये बना हुआ है। और यहाँ पर जो महाभारत की जो कथाएं हैं
उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है, इनको यहाँ पर पत्थर पे उकेरा गया है। आपने फोटो देखा होगा मोदी जी का, जो जिनपिंग जी हैं उनका, इस मॉन्यूमेंट के सामने। अगला हमारा टॉपिक है पंचरथ। ये भी आपके महाबलीपुरम में ही है। यहाँ पर जो महाभारत के 5 पांडव हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उनके बाद जो द्रौपदी है, उनका यहाँ पर जो रथ है वो बना हुआ है। ये रथ मोनोलिथ है, मतलब कि ये रथ जो है ना वो एक ही पत्थर से काट करके बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो रथ दिख रहा है आपको, ये एक ही पत्थर से काट करके बनाया गया है। आपने जो पहली फोटो देखी थी वहाँ पर ये सब रथ हैं जिनके सामने जो रास्ता है ना, ये बनाया जा रहा है हमारे नेताजी के लिए, जो वहाँ पर आकर के मिलेंगे। क्लियर है? तो ये जो मंदिर है आपको, शोर टेम्पल, देखो ये शोर टेम्पल है। शोर टेम्पल रात में इस तरह का दिखता है, कितना अच्छा दिख रहा है, दिख रहा है आपको, चांदनी रात है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी बातें हमारी आज की। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए। आपके जो भी दोस्त हैं तैयारी करते हैं आपके साथ, उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे, अपना जो फेसबुक पेज होता है वहाँ पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जो PDF है कहाँ मिलेगा सर? वो मिलेगा आपको एड सुमंत टेलीग्राम चैनल पे। देखो जो टेलीग्राम है ना, वहाँ पर मैंने आपका लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 सबका मैंने PDF डाल दिया है। और यहाँ पर मेरे जो वीडियोज़ हैं MCQs ऑन मॉडर्न इंडिया, इनको मैं शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ऐप ओपन करना, ऐड सुमंत टैप करना, चैनल दिख जाएगा आपको, वहाँ पर मुझे फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर मेरे सारे वीडियोज़ आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।